वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या और 26 जनवरी पर आतंक का साया मंडरा रहा है, इसीलिए यहां पर सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं कि क्योंकि यहां पर भी कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो फर्जी पास बनवा सकते हैं, जो किस तरीके से आंखों में धूल झोंक कर आ सकते हैं, इसीलिए यहां पर सख्त चेकिंग की जा रही है। और ये खबर, ये इनपुट निकल कर आया कि 26 जनवरी और खासतौर पर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन ऐसा हो सकता है, इसीलिए सुरक्षा का पहरा कड़ा। ओपी तिवारी हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका कर लेते हैं। ओपी, ये तो मानकर चल रहे थे कि ऐसा हो सकता है इसीलिए सुरक्षा का कड़ा पहरा, लेकिन अगर ऐसी खबर आ रही है तो और कितनी सख्ती बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल सपना, मैं आपको बता दूं, चूंकि अब नए खुफिया अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी फर्जी पास, फर्जी सरकारी वर्दी या फर्जी लेबल का सहारा ले सकते हैं। लिहाजा इस बारे में जो खुफिया और सुरक्षा अधिकारियों की बड़ी बैठक हुई है, उसमें तय किया गया है कि समारोह के एक दिन पहले, चाहे वो दिल्ली की 26 जनवरी का समारोह हो या फिर अयोध्या का, उसके एक दिन पहले जो सुरक्षा कर्मी है उनको विशेष पास आवंटित किए जाएंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विशेष पास जब सुरक्षा कर्मी ड्यूटी पर आएगा उसी समय उसे आवंटित किया जाएगा, जिससे उसका जो है कोई भी नकली पास ना बन सके। इसके अलावा जो 100 किलोमीटर का दायरा है अयोध्या का, वहां पर लगभग 1200 से ज्यादा सादे लोग वर्दी में तैनात कर दिए गए हैं, जो संदेहास्पद व्यक्तियों की निगरानी कर रहे हैं। और किसी भी ऐसे शख्स को संदेहास्पद लगेगा उसके लिए स्पेशल इंटेरोगेशन सेंटर बनाए जाएंगे अयोध्या और दिल्ली दोनों में। समारोह से एक दिन पहले स्पेशल इंटेरोगेशन सेंटर तैयार कर दिए जाएंगे, जहां पर संदेहास्पद व्यक्ति से पूछताछ की जाएगी। स्पष्ट तौर पर कहा गया है कोई भी व्यक्ति, चाहे किसी भी बड़े अधिकारी की वर्दी में क्यों ना हो, यदि संदेहास्पद लगता है तो इन विशेष इंटेरोगेशन सेंटर्स में उससे पूछताछ की जाएगी, जहां पर सुरक्षा के अलावा खुफिया एजेंसियों के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। जी सपना, ठीक है। ओपी तिवारी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो देखिए, ओपी आपको जानकारी दे रहे थे, मैं इसी जानकारी से जुड़ी आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ कि सुरक्षा का पहरा कैसा है, वो जरा दिखाइए किशन। अगर आप राम मंदिर के लिए आते हैं या आम रास्ता है जो लोगों के लिए है, तो ये देखिए, पहले वो बैरिकेडिंग की गई है, गाड़ी अंदर आ नहीं सकती है, वहां पर भी पुलिस का एक देखिए ऐसे टोल बना दिया गया है, वहां पुलिस की मौजूदगी है। यहाँ आपको 3 जवान दिखाई देंगे, ये 2 जवान आपको देखिए यहाँ से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि एक अगर एक सुरक्षा चक्र आप भेद भी जाए तो आपको 2-3 सुरक्षा चक्र आगे और भेजने होंगे। और जो चीज अभी आपने ओपी तिवारी ने आपको बताई कि कोई भी गाड़ी चेकिंग के बिना नहीं आ रही है, अगर पास नहीं है तो वो चाहे हमारी मीडिया की गाड़ी हो या चाहे किसी नेता की ही क्यों ना गाड़ी हो, सांसद विधायक की गाड़ी हो, अगर आपके पास में प्रॉपर आईडी कार्ड है, अगर आप सांसद विधायक है तो ही आपको अंदर आने दिया जा रहा है, अन्यथा आपको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। और उसमें भी गाड़ियों पर रोक है, एक से ज्यादा गाड़ी अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अभी लोग परिक्रमा भी लगा रहे हैं। और जो फर्जी पास की बात की गई है, तो यहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया गया है, वहां से पास अलॉट किए जा रहे हैं, और वहां पर भी फोन करके पूछा जाता है, जब भी कोई गाड़ी अंदर आ रही है तो उसका नंबर लिया जाता है, पूछा जाता है अंदर कि ये गाड़ी आपने अलॉट की है या नहीं की है, ये नंबर इनको पास दिया या नहीं दिया है, उसके बाद ही गाड़ी को अंदर जाने दिया जा रहा है। मोनिका हमारे साथ, हमारी सहयोगी बनी हुई है। मोनिका, हम सुरक्षा के लिहाज से चाहेंगे कि तस्वीर आप दिखा दें, क्योंकि कल मैं गाड़ी पर जब मौजूद थी तो मैं देख रही थी कि सुरक्षा कर्मी वहां पर अच्छी संख्या में थे। आज कैसा सुरक्षा का घेरा है, क्योंकि ये खबर, ये इनपुट निकल कर आया है?